न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। किस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया था? ये कार्यक्रम 2019 से हो रहा है जी। पूर्व सेना परिषद के द्वारा ये कार्यक्रम 2019 में जब धारा 370 और 35A इस देश से समाप्त हुई और एक ऐसी कुकृति समाप्त हुई जिससे पूरा देश समाप्त होने के बाद उत्साह मना रहा था, और उसी के निमित्त अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने भी एक विशाल शौर्य यात्रा निकाला था, जो कि हम पिछले वर्ष 2019 में मानगो गांधी मैदान से और इस सुभाष चंद्र बोस मैदान में समाप्त किए थे। उसी के निमित्त वह कार्यक्रम भी आज भी आज़ादी की पूर्व संध्या में था, और आज भी आज़ादी की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद यह कार्यक्रम मना रहा है, और इसी के तहत हम आज मानगो गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं और राष्ट्रगीत गाया गया है, क्योंकि आज़ादी के 75वां वर्षगांठ भारत मना रहा है, और वहां राष्ट्रगीत के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ किए और खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय हमने वंदे मातरम का गीत पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे लोग गीत को गाए हैं, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद भारत माता का आरती और पुनः एक बार राष्ट्रगीत हम सब मिलकर गाया है। इसी के निमित्त यह कार्यक्रम चल रहा है, और यह कार्यक्रम निरंतर आगे भी चलता रहेगा, यह हमारा विश्वास है। अच्छा सर, कल स्वतंत्रता दिवस है, तो उस पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद का भारत की जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से पूर्व सैनिक सेवा परिषद काम करता है। इस पूरे देश में राष्ट्र के प्रति जो सैनिकों का सम्मान है, जब नौकरी समाप्त होती है उसके बाद पूर्व हो जाता है पूर्व सैनिक सेवा परिषद, और जब अपने सर्विस में रहते हैं उस वक्त तो देश के प्रति इनकी भूमिका रहती है, और सर्विस से हटने के बाद भी जो इनकी भूमिका आज खासकर इस जमशेदपुर में देखने को मिलता है, ये सराहनीय है, इसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए वो कम होती है। धन्यवाद सर, परिचय दे दीजिएगा अपना। मैं विनोद सिंह, जमशेदपुर भाजपा का जिला अध्यक्ष हूँ, और पूर्व सैनिक सेवा परिषद का इस कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ। धन्यवाद।